बूंदी जिले के देई कस्बे में पेयजल की किल्लत से परेशान आक्रोशित ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर जताया रोष, जलदाय कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, नए कनेक्शन जोड़ने के एवज में नजायज रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया। बूंदी जिले के देई कस्बे में पिछले कई दिनों से ग्रामीण पेयजल की किल्लत से परेशान है। अभी सर्दी का मौसम है, क्षेत्र के जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत पाईबालापुरा बांध में पर्याप्त पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को समय पर पेयजल नहीं मिल रहा है। ग्रामीण नलकूपों से पानी का जुगाड़ करने को मजबूर हैं। इसी से परेशान आक्रोशित करीब एक दर्जन वार्डवासी जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि मोहल्ले में एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है, पेयजल योजना की पुरानी लाइन से बिना किसी सूचना के कनेक्शन काट दिया, जिससे लोगों को पानी नहीं मिल रहा। विभाग को अवगत कराने के बाद भी कनेक्शन नहीं किए जा रहे। कर्मचारी कनेक्शन करने के 300 रुपए की मांग कर रहे हैं, जो नाजायज है। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या समाधान की प्रशासन से मांग की है, ताकि पेयजल समस्या से निजात मिल सके। गौरतलब है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही का हर्जाना उपभोक्ता भुगत रहे हैं, तो वही पेयजल से परेशान ग्रामीण के जलदाय विभाग अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे मोहल्ले में लगभग 5 दिन पहले कनेक्शन काट दिया गया है, जबकि हमारे जो पहले के जो अभी जो नए कनेक्शन अभी तक भी नहीं किए हैं और पहले से ही कनेक्शन काट दिए गए हैं। हमारी पानी की समस्या बहुत ही समस्या आ रही है और हमारे पीछे एक गली है, हमारे पीछे की जो गली है उसमें कम से कम 6 बार अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ है और पानी की समस्या से हम सारे मोहल्लेवासी जूझ रहे हैं और पैसे मतलब नाजायज रूप से कनेक्शन के पैसे मांगे जा रहे हैं, 300 रुपये के लगभग मांग रहे हैं एक कनेक्शन पर। जे न्यूज़ के लिए राजस्थान बूंदी से हनुमानगढ़ की रिपोर्ट।